चले प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस ये जरूरी है बहुत। शुरू करें। तुम क्या चाहती हो भाई? देखिए डेफने मैडम, सोचे कि मैं यालेन हूँ और आप डेफने हैं, तो आपको अपनी दिल की बात कहनी है उनसे जाकर। चले लेट्स स्टार्ट। लेकिन यालेन ऐसे खड़ा नहीं होता। हाथ नीचे करो, अब इसे वापस यहाँ रखो। हाँ ऐसे ठीक है। और ये अपना पाँव अंदर करो इसे थोड़ा। इस हाथ को हटाकर ऊपर रखो। आई तुम बहुत ज्यादा करीब हो रही हो, हटो, रहने ही दो। क्योंकि ना तुम जरा भी यालेन की तरह बिहेव नहीं कर रही हो। हाँ लेकिन डेफने मैडम, मैं उनके जैसा फेस कट और बॉडी कहाँ से लाऊंगी? अल्लाह अल्लाह, छोड़े दोबारा शुरू करते हैं। ठीक है करती हूँ कुछ। यालेन जान। हाँ बोलो क्या हुआ? मुझसे गलती हो गई है। गलती? तुम हमेशा यही करती हो। हाँ लेकिन इस दफा मेरे पास एक वजह है। ठीक है लेकिन नतीजा क्या हुआ? इस बार ज्यादा बड़ी गलती की है तुमने। हाँ मगर इस बार मैंने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की है। लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है डेफने। इस मर्तबा मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मुझसे कतन कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। आई चुप हो जाओ। सच कहूँ तो यालेन बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं करता है। सही कह रही है, बिल्कुल नहीं करता वो ऐसी बातें। यालेन यूं कहता, डेफने चुप हो जाओ। मैं लेकिन डेफने कभी खामोश नहीं होती। तुम कौन हो भाई? तानिश अराज, लोगों की आवाज। दानिश, तुम्हारी कोई बात हुई है भाई से? बहुत जल्दी ख्याल नहीं आएंगे तुम्हें याशिम। वैसे ये ख्याल तुम्हें बहुत जल्दी नहीं आ गया डेफने? तुम चुप रहो दानिश। यालेन जान, तुम तो खुद समझदार हो, इसीलिए दानिश की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, बस तुम यही समझ लो जान। यार डेफने मैडम, आपको तो डेफने की एक्टिंग भी नहीं करनी आती। मेरा मतलब मैं आपको माफ नहीं कर सकता। मुझे गुस्सा आ रहा है आप पे अब। नहीं नहीं बस बहुत हो गया। आप इधर आए, मैं डेफने बनूंगी अब। अरे यार मैं अपनी एक्टिंग बिल्कुल ठीक कर रही थी। अब देखना क्या करना है तुम्हें। चलो यालेन बनो। बात करनी है आपसे। तुम यहाँ पर? आप जानते तो हैं मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक तारीख कायम की है, आप बताएं। ओहो यालेन, मैं यहाँ मिलने के लिए आई थी। क्या इग्नोर करने की वजह जान सकती हूँ मैं? मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। मगर मुझे तो पड़ता है। आप इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते मुझे, मैं हो ही ऐसी। वाओ। मैंने परवाह करनी छोड़ दी है। बिल्कुल बिल्कुल जानती हूँ मैं, सब जानती हूँ मैं। तुम और कर भी क्या सकते हो? एक यही चीज है जिसे करने में बहुत एक्सपर्ट हो तुम। अगर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ अगर एक काम भी हो जाए तो तुम जीना हराम कर देते हो सबका। असल में तुम एक बहुत खुदगर्ज इंसान हो याले नाराज। मैं खुदगर्ज हूँ? मुझे धोखा तुमने दिया, मुझसे झूठ बोला और कह रही हो कि मैं खुदगर्ज हूँ? मैंने तुम्हें कौन सा धोखा दिया है यालेन? सब तुम्हारे प्यार में किया। शुक्र है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपना रिश्ता बचाने के लिए कुछ कर ही ना सके। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नो, नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ। नहीं कर सकते। कर सकता हूँ। माफ कर दो मुझे प्लीज, माफ कर दो ना। माफ कर दिया। आसान था ये सब। अरे यार तो कमाल की निकली भाई। थैंक यू सो मच, सच में बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन लड़कियों, ये यालेन इस दुनिया में कभी भी किसी को कुछ प्रूफ नहीं करता। मुंह बंद रखो अपना दानिश।